अमूल्य रत्न है, ठीक है, जिसका की भरपाई कर पाना मुश्किल है। तो हर किसी के घर पर कोई ना कोई इंतजार करता है। आप जाते हैं जब घर पे तो नन्ना मुन्ना बच्चा दौड़ते हुए आता है, पापा है पापा है, तो सोचिए कितनी मैं अच्छी उम्मीद बच्चे की होती है। तो मैं इन सब बातों को आपको इसलिए बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं केवल डिहरी ऑनसन के आरपी प्रभार निरीक्षक राम विलास राम के नेतृत्व में पूर्व मध्य रेलवे के दीनदयाल उपाध्यक्ष मंडल के डिहरी ऑनसन पर मानवाधिकार सामाजिक सुरक्षा जन कल्याण संघ व चाइल्ड हेल्प लाइन तथा रेलवे सुरक्षा बल के संयुक्त तत्वाधान में आगामी त्योहार दिवाली व छठ के मद्देनजर यात्रियों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें बैनर पंपलेट के माध्यम से जागरूक किया गया। संस्था के अध्यक्ष संजीत कुमार गुप्ता के द्वारा जागरूक कार्यक्रम के अंतर्गत गाड़ियों में अनावश्यक रूप से चेन पुलिंग नहीं करने के संबंध में जागरूक किया गया। वहीं ट्रेन स्टेशन परिसर आदि जगहों में अनजान व्यक्ति द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थों को नहीं खाने के विषय में भी बताया गया। बच्चों व मानव तस्कर को रोकने के लेकर आरपीएफ को सहयोग करने को बताया गया है। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान कई लोगों की जान चल जाती है, ऐसे में रेलवे द्वारा अधिकृत रास्ते का ही इस्तेमाल करें। रेलवे के सभी प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के बीच घूम घूम कर जागरूक किया गया। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या होने पर रेलवे के टोल फ्री नंबर 139 संपर्क करें। यात्रियों को ट्रेन में या स्टेशन परिसर में कोई भी लवारिश या संदिग्ध वस्तु मिलने पर या देखने पर तुरंत इसकी सूचना रेलवे सुरक्षा बल को या टोल फ्री नंबर 139 पर देने को बताया गया। काम से गया है वह शाम तक लौटकर घर आएगा, यानी कहने का मतलब आप अपने परिवार के लिए एक जो है अमूल्य रत्न है, ठीक है, जिसका की भरपाई कर पाना मुश्किल है। तो हर किसी के घर पर कोई ना कोई इंतजार करता है। आप जाते हैं जब घर पे तो नन्ना मुन्ना बच्चा दौड़ते हुए आता है, पापा है पापा है, तो सोचिए कितनी मैं अच्छी उम्मीद बच्चे की होती है। तो मैं इन सब बातों को आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि रेल में आते सुरक्षित यात्रा करें, अपने जान को नुकसान में न पहुंचाएं, अपने घर सुरक्षित यात्रा करें। कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि रेल परिसर में कोई ऐसा बच्चा जो 18 वर्ष से कम आयु का है घर से भटक के चलाया है या गुस्से में चलाया है, किसी कारण से चलाया, अगर ऐसे बच्चे की आपको जानकारी प्राप्त होती है तो आप हमें सूचित करें। राजकीय रेल पुलिस रेलवे सुरक्षा कर रहा हूँ और मेरे साथ इस प्रकार की समस्या घटित हुई है। दूसरी बात, आप जब ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आप जिस व्यक्ति को जानते पहचानते नहीं है उससे किसी भी प्रकार का मेल जोल न बढ़ाए। एक बार और सुने, आप यात्रा के दौरान जिस किसी व्यक्ति को जानते पहचानते न हो उससे किसी भी प्रकार का मेल जोल न बढ़ाए। यह आपके लिए घातक साबित होगा, क्योंकि हमारे और आपके बीच ऐसे व्यक्ति भी यात्रा कर रहे हैं जो वह यात्रा करने नहीं बल्कि वह आपके कीमती सामानों के चोरी करने के चक्कर में यहाँ रेलवे स्टेशन पर आए हैं। मेरी बात सुन रहे ना, जहां से ध्यान से सुनिएगा, हमारे आपके बीच ऐसे भी व्यक्ति हैं जो यात्रा के उद्देश्य से नहीं बल्कि आपके कीमती सामानों की चोरी के उद्देश्य से रेल परिसर में आए हैं। वह अपनी चिकनी चुपड़ी बात की बुद्धि अपरिपक्व है, वो अपने घर तक पहुंच जाए, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। अगर हम लोग ऐसा करते तो हमारे को तसल्ली तो मिलती ही मिलती है, लेकिन सोचिए कि अगर हम ऐसा काम करते हैं, अभी कभी मेरा बच्चा खोया हो और मैं शुभ कार्य करूं तो उसका पुण्य मुझे भी मिलेगा। मेरा भी बच्चा कहीं खोया होगा तो मेरा भी बच्चा आपके प्रयास से मेरे घर तक पहुंच सकता है। आप रेल में यात्रा करते हैं, रेलवे की जंजीर को अनावश्यक न खींचे, इससे ट्रेनें विलंब होती हैं और उस ट्रेन में बैठे कई यात्री जिनको की बहुत ही आवश्यक काम होता है अपने घर या उस स्थान पर समय से नहीं पहुंच पाते हैं और वह बाधित रहते हैं। अनावश्यक ट्रेन का चेन न खींचे, रेल पटरियों को पार न करें, रेलवे के छत पायदान अथवा दरवाजे पे खड़े होकर यात्रा न करें, क्योंकि इस प्रकार का यात्रा करना आपके जान को जोखिम में डालता है। आप मैंने इसमें अपने जान को जोखिम में डाल सकते हैं, इसलिए नम्र निवेदन है कि घर पर सुरक्षित जाएं, रेल नियमों का पालन करते हुए जाएं। हर किसी के घर पर किसी न कोई कोई न कोई इंतजार कर रहा होता है। धन्यवाद, जय हिंद। जैसे अपराधी किस्म के लोग यात्रा के दौरान आपके साथ यात्री के रूप में यात्रा करते हैं और उनका उद्देश्य आपके बहुमूल्य सामानों की चोरी करनी होती है, वो आपसे